यहाँ शुरू होता है हमारा आज का सफर श्री नलकेश्वर। पहले तो मृगनयनी रहती ना। अच्छा, मृगनयनी थी, पानी पीती उसका गंगा मैया का। तो उसने यहाँ भैंसा उठाई थी दो। अच्छा, तो आप दोनों भैंसा भर रहे आपस में। अच्छा। तो वो पानी की चेयर ऊपर रख के और मतलब आखिर यही है नलकेश्वर महाराज। और आप दर्शन कर लीजिए साथ साथ महा नलकेश्वर महाराज जी से और अपनी मनोकामना। जान रहे हैं नलकेश्वर महाराज जो कि ब्रजमान है एक पहाड़ी के अंदर, यानी कि एक गुफा बनी हुई है जहां पर अंदर ब्रजमान है नलकेश्वर महादेव। और दोस्तों ये है वहां का जाने के लिए रास्ता। काफ़ी पहाड़ी इलाका पड़ता है वहां पर और ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलने वाली है आज के इस ब्लॉग में। और दोस्तों साथ में ही आपको देखने को मिलेंगे टपकेश्वर महादेव और ऋषि ग्वालब की प्रतिभा भी जो है वहाँ पर बताया जाता है। तो वो वहीं जाकर पता चलेगा कि कैसा क्या व्यू है। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और उसकी कुछ जानकारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको आज इस ब्लॉग में बताने जा रहा हूँ। और ये है वहाँ का रास्ता, काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, तो आप वीडियो में देख लीजिए।
Thank you.
हम नीचे की सीन को जो है पूरा विजिट कर चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वाटरफॉल ऊपर जाकर। फिलहाल हमको जो चढ़ाई हमने उतर कर की थी, अब वो चढ़ाई जो है हमको वापस चढ़ाई करनी पड़ेगी जब जो है हम पहाड़ी के ऊपर पहुँच पाएंगे वाटरफॉल के पास। और जाने और आने के लिए रास्ता का व्यू देख पा रहे हो काफ़ी ख़तरनाक है, और काफ़ी संभल कर आपको जो है हर एक कदम रखना है। तो बने रहें मेरे साथ वीडियो में। और दोस्तों अभी तक आपने अपने अनुराग ग्वाली ब्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और ग्वालियर का ब्लॉग आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलता रहता है। और सब्सक्राइब करो, ज़रूर करो गाइस। और जय महाकाल, या आप कोई सा भी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल आप रास्ता देख पा रहे हो किस प्रकार का रास्ता जो है बना हुआ है। और तो फिलहाल अभी हम ऊपर आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर गाय के मुंह से जो है पानी आप देख पा रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा। और दोस्तों यहीं पर जो है वाटरफॉल बना हुआ है, यानी कि यहीं पर जो है पानी गिरता है ऊपर से आता है, और काफी भयंकर मात्रा में जो यहाँ से पानी गिरता है। अभी फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी पानी नहीं दिख रहा होगा। जब यहाँ पर मौसम आता है पानी का, यानी कि जब भी यहाँ पर आता है वाटरफॉल, यहाँ पर इतनी भयंकर पानी गिरता है। तो दोस्तों आपने मैं आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा। और दोस्तों काफ़ी नीचे जाके शिव जी का मंदिर बना हुआ था, और ये दोस्तों काफ़ी ऊंचाई जगह पर है, और यहीं से जो है पानी झरता झरता हुआ नीचे जाता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर भयंकर झरना जो है झरता है नलकेश्वर धाम पर। ये वीडियो तब का है जब जो है दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से जो है पानी यहाँ पर गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पर गिरता है। और दोस्तों यहीं के पास में बना हुआ है दोस्तों तिगरा डैम, जिसका वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। दोस्तों उसका भी वीडियो आपको फुल हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगा। और तिगरा डैम के ही पास में बना हुआ है ये दोस्तों नलकेश्वर धाम। तो वहीं से अगर आप तिगरा डैम तक आते हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। और दोस्तों और अभी फिलहाल हम आपको रास्ता वगैरह दिखाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो जब भी आप आएँ बाइक वगैरह से, तो बाइक की पूरी सेफ्टी लेकर आएँ, जैसे कि पेट्रोल वगैरह, क्योंकि यहाँ पर आसपास जो है फुल व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों यहाँ के सीन को देखिए, फिर आपको चलते हैं रास्ते को, और आपको फिर आपको मैं दिखाऊँगा रास्ता। जंगल इलाका नज़र आ रहा होगा, तो दोस्तों ये जंगल इलाका ही है, जैसे कि आप शुरू से लेकर एंड तक भी जंगल इलाका ही देखेंगे। और काफ़ी ख़तरनाक खाई है, और काफ़ी गहराई है नीचे, और बहुत सोच समझकर यहाँ पर आपको कदम रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क की काफ़ी कमी है, तो आप अपने साथ आए हुए व्यक्ति को अपने हाथ पकड़ कर रखें, नहीं वो आपसे बिछड़ गया तो फिर आप उससे फ़ोन लगाकर कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक शिव जी की शिवलिंग आपको और दिखती है। और दोस्तों फाइनली नीचे का ब्लॉक हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर, और वहाँ की कुछ जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों हम विजिट कर चुके हैं नलकेश्वर धाम को। ऊपर आपके टावर वगैरह आ जाएंगे, अगर आप बिछड़ गए तो फिर से मिल जाइएगा। और बात करें इसके रास्ते की, तो रास्ता दोस्तों काफ़ी
आसान और सरल है। अगर आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं तो आप उसके जरिए भी आ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ रास्ते से, जिससे आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगी। और दोस्तों ये था यहाँ का नलकेश्वर धाम का कुछ सीन जो आप देख चुके हैं, और रोड वगैरह पे काफ़ी खंडे वगैरह डले हुए हैं। और दोस्तों तिगरा से आप जैसे ही थोड़ा आगे आते हो, तिगरा से ही दोस्तों आपको जो है यहाँ के लिए रास्ता मिलने वाला है। और दोस्तों फिलहाल जहाँ से जो है कुछ कच्चा रास्ता आपको मिलता है, जब आप तिगरा से आते हो तो आपको जो है पूरा अच्छी रोड मिलने वाली है, पक्की रोड मिलने वाली है। लेकिन आपको बीच में ही एक नलकेश्वर के लिए रोड मिलेगी जो कि पूरी कच्ची डली हुई है, और बीच में ही आपको एक बोट मिल जाता है नलकेश्वर धाम का, तो उस बोट को जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये बोट आपको जरूर देखना है जो कि यहाँ पर रोड पर कुन्ने पर लगा हुआ है। इसी रोड से उतरते हुए आपको सीधे चले जाना है और आप पहुँच जाओगे नलकेश्वर धाम। और दोस्तों इस रोड के लिए आपको तिगरा वाला वीडियो हमारा देखना पड़ेगा। तो हम फिलहाल तिगरा को जो है विजिट करने के बाद आए हुए थे नलकेश्वर धाम। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा था, अगर आपने इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा और अच्छी जानकारी सिर्फ आपको हमारे YouTube चैनल से मिलती है। तो सब्सक्राइब करें, मिलेंगे बहुत जल्द आपसे नए एक और ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।